वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम रीजनिंग में सीरीज पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने अक्षर श्रृंखला पढ़ ली थी और सेकंड जो टाइप पढ़ा था वो पढ़ा था संख्या श्रृंखला, और आज हम पढ़ रहे हैं अक्षर वे संख्या श्रृंखला तीसरे टाइप में। इस श्रृंखला को आप मिश्रित श्रृंखला भी कह सकते हैं, मतलब दोनों क्या होंगे इसमें मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल लिखो, टाइप थर्ड से रिलेटेड अक्षर वे संख्या श्रृंखला या मिश्रित श्रृंखला से संबंधित मैंने 10 सवाल इस पर लिख दिए हैं, ठीक है। हमें एक एक करके आंसर बताना है कि इसमें क्या आएगा। जितने भी सवाल आए हुए हैं सारे एसएससी सीजीएल से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। कुछ एनटीएससी से संबंधित हैं। एनटीएससी जानते हो ना आप, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, ठीक है। उसमें जैसे एनटीएससी से वैज्ञानिक के लिए वो होता है एग्ज़ाम। तो इसमें पहला सवाल क्या है, इसका आप सॉल्यूशन देखो। क्यों कितने नंबर पर आता है, 17, और एफ कितने पर आता है, 6, एस 19 पर और ई 5 पर, यू 21 पर और डी 4 पर, डब्ल्यू 23 पर और सी 3 पर। तो देखो आप क्या है, इसमें 17 के बाद कितना जुड़ा, 2, फिर कितना जुड़ा, 2, फिर कितना जुड़ा, 2, मतलब इसमें यहाँ तक तो जुड़ता जा रहा है 2, और संख्या में देखो कितना जुड़ रहा है, 1 को 2 से गुना किया कितना हो गया, गुना कर रहे हैं 2 से, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से गुना किया तो कितना आ गया, 6, 6 को 4 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 6 चौक 24, 24 को अब किससे गुना करें, 5 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 120 आ जाएगा, नहीं जाएगा, 17 दो 19 दो 21 और दो 23, 23 पे कितना जोड़ेंगे बताओ, तो कितना आएगा, 25, कितना आएगा, ये 25 आएगा ना, और 25वां अक्षर कौन सा होता है पता है आपको, वाई होता है, कौन सा होता है, वाई। इसमें देखो यहाँ पर एफ 6 में माइनस 1 किया कितना, 5, 5 में माइनस 1 किया कितना, 4 में माइनस 1 किया कितना, 3 में माइनस 1 करेंगे कितना जाएगा, 2, और 2 अक्षर किसका होता है, बी का। आ गए नहीं आए समझ में, आ गए, इसका आंसर कितना आएगा, वाई 120 बी आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो आप आगे देखो, इसमें सी का कितना है, 3 होता है ना, डी इसने छोड़ दिया, ई का कितना होता है, 5, इसने एफ छोड़ दिया, फिर जी का कितना होता है, 7, फिर इसने एच छोड़ दिया, ठीक है, फिर आई का 9 होता है और जे का 10, तो के का कितना जाएगा, ठीक है, इसने एक छोड़ रखा है इसमें। आगे देखो, अब हमको ऑप्शन तो पता लग ही चुका है, हमको ऑप्शन पता लग चुका है इसमें, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है पहला बताना एक बार, तो तीसरे सवाल में देखो आप इसका ऑप्शन बताओ क्या क्या है, डी सात पहला ऑप्शन है, 9G दूसरा ऑप्शन है, G9 तीसरा ऑप्शन है, F1 ये चौथा ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर आएगा तीसरे का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें कि 5 के बाद क्या लिख रखा है इसने, F का कितना नंबर होता है और C का कितना होता है, 3 के बाद कितना लिख रखा है, 4, E का कितना होता है, 4 के बाद कितना लिख रखा है, 5, 6 होता है, 6 के बाद कितना है, इस तरीके से लिख रखा है, और 7 के बाद इसका एच का कितना होता है, 8, तो 7 के बाद क्या रहा है, और ई का कितना है, 5 के बाद 6, अब 6 के बाद 7 आता है तो इसका मतलब क्या आएगा, जी आएगा, और 8 के बाद 9 आता है, तो ये इसका आंसर आएगा इस ऑप्शन से। बैठी नहीं बैठी बात समझ में, कई बार क्या होता है ऑप्शन से सवाल नहीं, अगर ऑप्शन ना हो तो उसमें कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है ना।
तो हमें ऑप्शन दे रखा है तो सटीक आंसर इस ऑप्शन से ही मिलेगा आपको। आगे देखो इसमें चौथे सवाल में बताओ क्या आएगा। देखो बी वाई, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स है ना, और डी का उल्टा क्या आएगा वैसे, डब्लू आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना भाई, बी वाई सी एक्स और डी डब्लू। लेकिन आप मुझे बताएं कि बी वाई सी एक्स और डी डब्लू आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि दूध वाला डी, डी का कितना है चार है तो डब्लू का 23 विपरीत अक्षर आ रहा है। अब यहाँ देखो यहाँ पर यहाँ जीरो कैसे है और वाई का 3 कैसे है, ये आपको चेक करना है। तो देखो जीरो और 3 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, कितने का अंतर है, फिर यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, फिर कितने का अंतर है, 7 का, फिर कितने का है, 9 का, और अब बताओ आप कितने का अंतर होगा। तो 24 में 11 जुड़ेंगे कितना आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, डब्लू 35 आना चाहिए। लेकिन हम ऑप्शन देख लेते हैं कि कितना आएगा, डब्लू 35 ही है, क्लियर है ना बात, ठीक है। और अब आता है पांचवा सवाल, पी कितने नंबर पर आता है, 16, एम कितने पर, 13, जे कितने पर, 10, जी 7 पर और डी 4 पर। तो देखो इसमें -3 -3 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, -3 कम हो रहा है ना, तो 4 में से -3 कम होगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, ठीक है। और 1 किसका आता है बताओ, 1 आता है तो लिख देंगे 1, भाई 1 आ रहा है ना यहाँ पर, तो 1 जो नंबर आता है वो ए आता है ना, 3 और 5 8 8 और 7 15 15 और 9 24 24 और कितना 11 35। इसमें कितना आएगा आंसर, इसका आएगा ए 35। क्लियर है, समझ बैठ गया था। आगे देखो बी कितना है, 2 नंबर पर, एफ कितना है, 6 नंबर पर, जे कितना है, 10, एन 14, आर 18, वी 22, जेड कितना, 26, और 26 में आप जब 4 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और 30वां अक्षर कौन सा होता है, 30वां, तो डी तक 26, जेड तक तो खत्म हो गया 26, तो इसका मतलब है चौथा अक्षर, बात आ रही है समझ में, और 4 के बाद कितना, फिर 8वां अक्षर, फिर 12, फिर कितना, 16वां अक्षर आएगा, क्योंकि इसमें कितना जुड़ रहा है, प्लस के 4 4, कितना जुड़ रहा है आप देखो, प्लस के 4 4 इसमें जुड़ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप इस 16 अक्षर की जगह लिखेंगे क्या, अपन पी लिखेंगे, कितना लिखेंगे, क्योंकि 16वां अक्षर यहाँ अक्षर लिख रखा है तो पी लिखेंगे यहाँ पर, 16वां अक्षर जो है ना बेटी, बात समझ में। अब 2 2 4, 2 जुड़ रहा है, 6 8 10 12 14 16 18 20 और 2 22, तो एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा इसका, समझ बैठ गया नहीं बैठा ये, ठीक है। आगे देखो, देखो हम हमारा एग्जांपल 7, बी कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर, और ये 2 है ही, डी कितना है, 4 पर है, ई 5 पर, 3 है ही, एच 8 पर, आई 9 पर, 4 है ही, और एम कितना है, 13 पर। तो देखो जो ये 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5, ठीक है, 5 हम यहाँ लिख देंगे। अब ये 2 में 2 जुड़ा, सॉरी एक मिनट, 2 में ये 3 जुड़ा, 5, 5 में 4 जुड़ रहा है, अगली बार कितना जुड़ रहा है, 9, 9 में 6 जुड़ेगा तो कितना, देखो 2 में कितना, 3 जुड़ रहा है, 5, 5 में कितना जुड़ रहा है, 4, 9 जुड़ रहा है ना, 9 हो गया, 4 जुड़ रहा है, 9 हो गया, 9 में कितना जुड़ेगा, 5, कितना हो जाएगा, 14, और 14 किसका होता है, 14 किसका होता है, n का होता है, किसका होता है,
अब यहाँ देखो चार चार में कितने जुड़ रहा है, चार जुड़ रहा है, आठ आठ में कितने जुड़ रहा, पाँच, तेरह, तेरह में छः जुड़ेगा कितना, उन्नीस, तो उन्नीस में अक्सर क्या होता है एस, तो ये आएगा एन फाइव, ठीक है। अब यहाँ देखो ये यहाँ पर क्या है, ए बी है, कितना है ए बी, फिर क्या है सी डी, फिर क्या है ई एफ, फिर क्या है जी एच, फिर क्या है इसमें आई जे है ये भी, ठीक है, फिर क्या है के एल। मुझे आप ये बताएं, एक बार सीधा लिख रखा है, एक बार उल्टा लिख रखा है, बस एक बार सीधा एक बार उल्टा, एक बार सीधा एक बार उल्टा, ए बी सी डी चल रही है, बाकी उनको क्या लिख रखा है उल्टा। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, लेकिन अब की बार जो एम एन आएगा वो सीधा आएगा ना, देखो सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, नहीं बैठी बात समझ में। यहाँ पर देखो एक के बाद दो जोड़ रखा है तीन, तीन के बाद दो जोड़ रखा है पाँच, पाँच के बाद दो जोड़ रखा है सात, सात के बाद दो जोड़ रखा है नौ, और नौ के बाद दो जोड़ रखा है कितना ग्यारह, ग्यारह में दो जोड़ेंगे तो कितना तेरह, तो एम एन कितना जाएगा इसका आंसर, क्लियर है ना ये। इसमें देखो सत्ताईस को उल्टा लिख रखा है बहत्तर में, छब्बीस को उल्टा लिख रखा है कितना बासठ में, पच्चीस को लिख रखा है बावन में, ठीक है, सत्ताईस छब्बीस पच्चीस चौबीस को उल्टा लिख कर क्या बन जाएगा, बयालीस बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ए बी सी डी ई छोड़ दिया, एफ जी एच एच आई छोड़ दिया, आई जे छोड़ दिया, देखो यहाँ पर तीन है ना, यहाँ पर कितना है एक मिनट, ये तीन और ये चार, एफ का कितना है छः और ये सात, एल का कितना है बारह और जे का कितना है दस, कुछ नहीं कर रखा, तीन का डबल कर रखा है, तीन दूनी छः, छः दूनी बारह, बारह दूनी कितना चौबीस, ये कितना है यहाँ पर, ये तो बयालीस है यहाँ पर, मैंने बताया सत्ताईस छब्बीस पच्चीस और फिर कितना आएगा चौबीस का उल्टा, चौबीस आगे आएगा और बयालीस इधर आएगा, ठीक है। और इसके बाद तीन दूनी छः, छः दूनी बारह, बारह दूनी चौबीस, और चौबीस दूनी कितना होता है, तीन दूनी छः होगा, छः दूनी बारह होगा ना, इधर एल का बारह है ना, और बारह दूनी कितना होता है चौबीस का होता क्या है एक्स, कितना होता है, तो मैं लिख दूँ बीच में एक्स, ठीक है। देखो चार और तीन सात, सात और तीन दस, दस और तीन तेरह, तेरह का क्या होता है एम, तो ये आंसर आएगा इसका, बहुत अच्छा सवाल है ये, चौबीस एक्स एम बयालीस, क्लियर समझ में आया कि नहीं बताओ, ठीक है, क्वेश्चन भी टफ है।